राजा जफरुल्लाह साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन रेजोल्यूशन अबाउट कश्मीर जी। जी राज साहब रेजोल्यूशन पढ़ें प्लीज। इशू जो एजेंडा है उस पर भी बात करना चाहता हूँ जी। पहले रेजोल्यूशन ले लेते हैं। पहले मैं रेजोल्यूशन कर दूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब चेयरमैन, द सेनेट ऑफ पाकिस्तान टेकिंग नोट ऑफ सिस्टमेटिक इम्प्रिजनमेंट टॉर्चर ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर टेक्स नोट ऑफ द सीरियस प्लाइट ऑफ कश्मीरी फ्रीडम फाइटर यासीन मलिक हु इज़ इनकार्सरेटेड इन ए डेथ सेल इन द नोटोरियस तिहार जेल इन इंडिया हैविंग स्पेंट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन इंडियन प्रिजन्स। द सेनेट स्ट्रांगली कंडेम्स दिस इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ यासीन मलिक सिंस हिज ओनली क्राइम इज टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द ब्रूटल इंडियन मिलिट्री ऑक्यूपेशन। नाउ द सेनेट नोट्स दैट ग्रेव कंसर्न द न्यू False charges are being concocted against Yasin Malik with a view to keeping him in jail indefinitely. The Senate urges the government of Pakistan to immediately take up the case of Yasin Malik and all other political prisoners in occupied Kashmir, including Mohtarma Asia Andarabi, with the United Nations Human Rights Council, seeking their swift release from illegal imprisonment. Launch a sustained global campaign for highlighting this issue at all international fora, including foreign governments, parliaments, and human rights organizations, and report back to the Senate within 45 days as to the progress made on this issue pursuant to the Senate resolution. Thank you, ji. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously. Cheesy. Leader of the opposition, please. Sir, you were very kind to accept our agenda for this session. And there were about 8 or 9 items. And now the last two have been clubbed together. The first one is, this House may discuss the pre-poll rigging and election tampering at all stages by government in the recent Gilgit-Baltistan elections. Sir, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर regularly अबल तो election होते नहीं रहे, लेकिन जब होते हैं तो फिर उसके बाद एक फसाद खड़ा हो जाता है, barring one or two instances कि ये इलेक्शन रिग्ड थे, और फिर उसमें उसकी अथेंटिसिटी भी चैलेंज होती है, और जो मशीनरी उसको इलेक्शन करवा रही होती है वो भी ज़ेरे बहस आती है, लेकिन कभी कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला कि उसको उसकी एनालमेंट हो या उसको असर नौ सही तरीके से कानून के मुताबिक लोग अपनी राय दे सकें और फिर जो इंतज़ामिया बने उसके ऊपर लोगों को इतबार हो। बैन ही यही मामला गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी हुआ है, और वो जो तजर्बा 2018 के इलेक्शन में यहाँ किया गया था उससे कहीं बढ़कर ये तजर्बा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में हुआ है, और अब मुझे ख़तरा है कि शायद ये जो उनकी तरीकाकार है उसको आज़ाद कश्मीर में भी न आज़माया जाए। वो गिलगित बल्तिस्तान भी बड़ा सेंसिटिव इलाका है, चाइना के साथ इसके बॉर्डर्स हैं, सी पैक उसी से गुज़रता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बैरूनी ताकतों की निगाहें भी इस इलाके के ऊपर हैं, बिलखसूस इंडिया की, और वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाता है कि वहाँ कोई फसाद खड़ा हो, कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि उनकी और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पैदा हो, बदमजगी पैदा हो, बदएतमादी पैदा हो, तो इस वजह से इसकी तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मैं
न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन से तवक्को रखता हूँ कि वो इसकी तरफ तवज्जो देगी और ये तजर्बा जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी चीज़ है कि अगर फेयर इलेक्शन ना हो तो इस सारे प्रोसेस के ऊपर से एतमाद लोगों का उठ जाता है। और इतनी डिठाई से ये गिलगित बल्तिस्तान में किया गया है कि मैं वो लाया हूँ सारे वाक़यात और डॉक्यूमेंट्स जो अखबारात की में छपे भी हैं वहाँ भी और पाकिस्तान के अंदर भी, तो ये मैं आपके भी पेश करूँगा ताकि आप भी इसको एक नज़र देख लें। ये उठ ले आएं जी सब। इब्तदाई उन्होंने ऐसे की कि पहले उन्होंने वहाँ के मौसम के लिहाज से जो इलेक्शंस होते हैं ताकि उसमें हाज़िरी माकूल हो और लोगों की वो राय को रिफ़्लेक्ट कर सकें, तो उस डेट को बदला गया। और जब कि ये कानून मौजूद है कि कोई सरकारी अहदेदार वहाँ नहीं जा सकता इलेक्शन के दौरान, और कोई ऐसा वादा नहीं कर सकता कि वो यहाँ कोई डेवलपमेंट कराएगा या कोई और चीज़ देगा, लेकिन इसको बिल्कुल फ्लैग्रेंट वायलेशन वहाँ हुई है। और यहाँ से मिनिस्टर्स गए हैं, हत्ता के प्राइम मिनिस्टर भी खुद वहाँ गए हैं, और जो ये यहाँ तय हुआ था कि इलेक्शन से पहले उस इलाके के स्टेटस के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, वो भी वहाँ जाकर उन्होंने ऐलान कर दिया और दुनिया शशदर रह गई। वो लोग जो चाहते थे कि ये बात ना हो वो भी बड़े मायूस हुए इस बात से, लेकिन इस बात की कोई परवाह नहीं की गई। और कोशिश ही की गई कि जो लोग दूसरी जमातों के थे उन्हें ये अलेवर किया गया कि देखें हमने फहरिस्तें बना ली हैं, लिस्टें बना ली हैं जिसमें आपका नाम है कि आपने ज़रूर कामयाब यहाँ होना है। लेकिन जो लोग अपनी जमातों को छोड़कर वो दूसरी तरफ गए हुकूमत की तरफ और उनको ये ख्याल था कि वो इलेक्ट हो जाएंगे, तो वो बाद में उनमें से अक्सर वो अपने सीटें लूज़ कर गए। लोगों ने उनको जो लोटाक्रेसी है उसको रिजेक्ट किया, लेकिन जो जेन्युइनली इन जमातों के उम्मीदवार थे उनको जो लालच दिया गया, जो दबाव बढ़ाए गए, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। हत्ता कि पाकिस्तान में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती जो 2018 में हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बात की कोई किसी को परवाह नहीं थी कि अगर ये हम करके अपने रिज़ल्ट कर लेते हैं तो वो ठीक होगा और लोग फिर रफ्ता रफ्ता उसको भूल जाएंगे। ऐसा तरीका अख्तियार किया गया जो मैं समझता हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान में या उस इलाके में ऐसा तजर्बा पहले नहीं किया गया था। ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारे उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ख़िलाफ़ है जो पाकिस्तान को अपने उन इलाकों के अंदर रिवाज देना कतन ज़रूरी नहीं था जो उन्होंने वहाँ जाकर किया है। और वहाँ भी आप देखते हैं कि वहाँ मुजाहरे भी हुए, वहाँ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी जलाए गए, गाड़ियाँ जलाई गईं, लेकिन ताबक है कितनी देर तक ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे भी दर्ज हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन उन लोगों ने दिल से उनको कबूल उन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को नहीं किया। इसी तरीके से वो जो आइटम नंबर 2 है उस पर भी आज कुछ बहस हुई है। दिस हाउस में डिस्कस द ओवरऑल प्रेसिपिटस इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ लोन्स टेकन बाय द पीटीआई गवर्नमेंट। एक नॉर्मल तरीका तो यही हुआ करता था कि साल में एक दफ़ा बजट बनता था और उसको खुफिया रखा जाता था ता वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर उसको अनाउंस ना कर दे और ताकि उसके कोई एडवांटेज ना उठाए, अनड्यू एडवांटेज ना उसको मिले। लेकिन
अब रिवाज ही हो गया है कि महीने में दो दो तीन तीन बार नया बजट आ जाता है, मिनी बजट आ जाता है, तेल और गैस की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि इस कदर खुराक की और इस्तेमाल की चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और वो ये कहा जाता है कि जी लोग ये सप्लाई डिमांड की बात है, उसको ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आम आदमी से अगर आप पूछें तो वो बहुत परेशान है, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर ना होने की वजह से, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के की बढ़ोतरी में मदद करती है, बढ़ती है। एक चीज़ बढ़ती है, क्राइम बढ़ती है, अगर कीमतें बढ़ें तो क्राइम भी बढ़ती है। लोग ये जवाब पैदा कर लेते हैं अपने अंदर कि हमने आखिर अपने बच्चों को दो वक्त का खाना देना है या हमने भी ज़िंदा रहना है, तो ये ख़ुद इस्लामाबाद के अंदर क्राइम्स इतनी बढ़ गई हैं, इतना इतना सिलसिला ऐसा हो गया है कि एक स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी इस कैपिटल पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर हो गई है जो इससे पहले नहीं थी। वाकयात बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बड़ी ग्लेरिंग यहाँ लॉलेसनेस की मिसालें दी जा सकती है। बेगुनाह मासूम लोगों को मारा जाता है, या बेरोज़गारी और महंगाई से तंग आकर लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं और दूसरों को भी, अपने घर के लोगों को भी ज़बह करके कोई नहरों में डाल रहा है, किसी की कहीं की लाशें बरामद होती हैं और फिर तहकीकात शुरू होती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन बुनियादी वजूहात जो हैं वो बिल्कुल वाज़े और ज़ाहिर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और जो अपने मामलात हैं वो ऐसे लोगों के सुपुर्द नहीं कर देने चाहिए। जैसे एक एडवाइज़र साहब आज लंबी तकरीर कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, उसमें उसको ख़राब करने, उसको एक अनएक्सेप्टेबल बनाने में ख़ुद जो ये रोज़ टीवी के ऊपर आकर और अदालत में मुकदमा अलग चल रहा होता है और ये साहब जो हैं वो टीवी के ऊपर एक एक दिन में कई कई लोग बैठकर वो प्रिडिक्ट करते हैं और कहते हैं, और फिर मामला जब उसी नतीजे पर आ जाते हैं तो फिर महसूस होता है कि बजाय इसके कि ये मुआशरे के लिए कोई काम कर रहे हों जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और इस तरीके से ये जो इनका रवैया है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा कंडेमनेबल है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और अब तो जब ये टीवी पर सामने आते हैं तो मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा आपने क्यों टीवी लगाया हुआ है इस आदमी को सुनने के लिए, इसको तो कोई सुनने को पसंद नहीं करता, लेकिन वो लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो दोनों आइटम्स हैं उनके ऊपर गौर करनी चाहिए और जो तजवीज़ दी है अपोजिशन की तरफ से जावेद अब्बासी साहब ने और रज़ा रब्बानी साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि इसको इवन हैंडेड ट्रीटमेंट देनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई मुल्क से बाहर हो, कोई आदमी जेल के अंदर हो तो आप उस पर इल्ज़ामात लगाए जाएं और फिर लोगों से जो जिन्होंने आपको रखा हुआ है आप उनसे शाबाश ले लें, तो इससे अल्लाह ताला की ज़ात भी नाराज़ होती है और मखलूक खुदा भी नाराज़ होती है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इसका इलाज होना चाहिए, वरना ये हालात पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू।